हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सीएमए प्रदीप कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ जो वैकेंसी की, वो है नेशनल माइनॉरिटी डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन। और ये जो वैकेंसी है ये डेली लोकेशन पे है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है, यानी ये आपका रेगुलर जॉब है। तो इससे रिलेटेड पूरी डिस्कशन करेंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा आपका, और एग्ज़ाम का सेंटर क्या होगा, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है फाइनेंस अकाउंट्स की पोस्ट के लिए। तो यहाँ पे पूरी डिटेल बात करेंगे, तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं, और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको और आगे फर्दर जो वैकेंसीज़ में अपलोड करूँ उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, फाइनेंस अकाउंट सी ए सी एम ए से रिलेटेड। तो आइए यहाँ पे बात करते हैं अब इम्पॉर्टेंट नोट की। इतने तो ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड ओनली, सो अदर मोड से एप्लीकेशन नहीं एक्सेप्ट होगा, यानी ऑफलाइन या हार्ड कॉपी नहीं है। तो डेट ऑफ ओपनिंग की बात करें तो 30 जुलाई 2019 से स्टार्ट हो चुका है एप्लीकेशन, एंड क्लोजिंग डेट जो है आपका 21 अगस्त 2019 टिल इवनिंग 5 o'clock तक है। तो इससे पहले पहले आप ज़रूर इसको फिल कर दीजिएगा, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, सेम डेट पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी पे हो जाएगी, तो दिक्कत नहीं है कि 24 घंटे बाद आपको पेमेंट करनी है फ़ीस की। तो नेक्स्ट बात करते हैं, पोस्ट कौन कौन सी हैं, क्वालिफ़िकेशन क्या है उसकी, और उसका एग्ज़ाम सेंटर आपका क्या होगा, ऑनलाइन पैटर्न एग्ज़ाम का क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। पे देख सकते हैं असिस्टेंट मैनेजर अकाउंट्स एंड फाइनेंस की टोटल 2 पोस्ट हैं यहाँ पे, एंड बेसिक पे स्केल की बात करें तो 30,000 to 1,20,000 E0 की कैटेगरी है यहाँ पे, IDA पे स्केल है। और क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो CA, ICWA और MBA फाइनेंस और MCOM फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ MBA एंड MCOM। सो यहाँ पे खास एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपने MCOM और MBA किया हुआ है फाइनेंस से तो आपका वहाँ पे ग्रेजुएशन में फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए, यानी कि आपका 60 और उससे ज़्यादा हो तभी तभी अप्लाई कर सकते हैं आप। देन यहाँ पे अनरिजर्व की एक पोस्ट है, OBC की एक पोस्ट है, और यहाँ पे खास बात है SC ST अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उन्हें बेनिफिट उनकी एज में नहीं मिलेगा, यानी वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए अगर अप्लाई करते हैं तो वो 28 ईयर्स के हैं, उससे बिलो हैं तो ही अप्लाई कर सकते हैं। सेकेंड पोस्ट की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट की है, जहाँ पे 6 पोस्ट है और पे स्केल 25,000 to 95,000 NE3 कैटेगरी है, और यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट डिग्री जिसके पास है फर्स्ट क्लास, यानी 60% किसी में BA, BCOM, BSc कोई भी डिग्री है ग्रेजुएशन की, तो वो यहाँ अप्लाई कर सकता है। ST की एक पोस्ट है, OBC की एक पोस्ट है, देन यहाँ पे अनरिजर्व की 3 पोस्ट है एंड PWD की एक पोस्ट है। अगेन यहाँ पे अगर SC अप्लाई करते हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए तो यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी, मैक्सिमम एज उनके लिए भी 25 ईयर ही कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे बात करें एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की, तो जो भी डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड आप जो ऑनलाइन अप्लाई करते समय मोबाइल नंबर या फिर ईमेल ID देंगे, आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन या मैसेज मिल जाएगा। देख, खास बात है जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो ओरिजिनल के साथ साथ आपको उस ओरिजिनल ID प्रूफ का फोटो कॉपी भी साथ में लेके जाना है, तो इसका काफ़ी ध्यान रखेंगे। बात करते हैं एग्ज़ाम सेंटर की, तो एग्ज़ाम सेंटर जो है यहाँ क्लियरली मेंशन है दिल्ली NCR में ही होगा, और कोई एग्ज़ाम सेंटर की प्लेस नहीं बताई गई है यहाँ पे। सो आप केयरफुली फॉर्म भरिएगा, अगर दिल्ली NCR में हैं या फिर वहाँ जाके एग्ज़ाम दे सकते हैं तो फॉर्म को भरिए, अदरवाइज़ ना भरें। एग्जामिनेशन फ़ीस और मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो एग्जामिनेशन फ़ीस जो है अनरिजर्व और OBC के लिए 100 रुपीज़ है, नॉमिनल फीस चार्ज है, इसे ज़रूर भर दीजिए। एंड वुमेन कैंडिडेट SC ST PWD जो भी हैं वो अप्लीकेशन फ़ीस से एग्जम्प्टेड हैं। मोड ऑफ ऑनलाइन पेमेंट है, जिसके थ्रू आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जो भी फैसिलिटी है आपके पास उसके थ्रू यहाँ अप्लीकेशन फ़ीस पे कर सकते हैं। देन बात करते हैं मोड ऑफ सेलेक्शन की, तो मोड ऑफ सेलेक्शन जो आपका कम्पिटेटिव परफॉर्मेंस यानी ऑनलाइन टेस्ट है आपका, देन इंटरव्यू है, और ऑफिस असिस्टेंट जो हैं उनका केवल ऑनलाइन टेस्ट है, मेरिट बेस्ड पे उनका सिलेक्शन होगा। देन एग्जामिनेशन स्कीम की बात करें तो यहाँ बताया गया है कि NMDFC विल कंडक्ट रिटर्न टेस्ट फॉर ऑल दीज 3 पोस्ट एज पर द एग्जामिनेशन सिलेबस। यहाँ पे एग्जामिनेशन सिलेबस Annexure 1 स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एज पर Annexure 2, यानी Annexure 1 में आपको सिलेबस बताया गया है, Annexure 2 में आपका पेपर पैटर्न क्या होगा वो बात की गई है, उसे भी मैं पूरा बताऊंगा आपको। यहाँ पे अगर खास बात इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें बाकी सब छोड़ के, तो यहाँ पे अनरिजर्व एंड OBC EWS जो भी हैं उनको जो क्वालिफाइंग करना है 45% इन एग्रीगेट एंड 40% इन ईच पार्ट ऑफ ईच पेपर
क्लियर करना है, यानी जैसे कि आपको उन्हें सी ए सी एम ए में 40% चाहिए होता है हर सब्जेक्ट में, एंड 50% आपको ग्रेगेट चाहिए होता है पास होने के लिए। सेम पैटर्न है आपका, दो पार्ट होगा पेपर में, दोनों पार्ट में आपको 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, एंड एग्रीगेट आपका 45% होगा तो ही आप क्वालिफाई माने जाएंगे। सेम एस सी एस टी के लिए है, 40% एग्रीगेट में होना चाहिए और दोनों पेपर में 35% है तो ही आप क्लियर कर सकते हैं। देन ओबीसी की बात करें तो आपका सेंट्रल लिस्ट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए तो ही आपका एक्सेप्टेड होगा, स्टेट लिस्ट का एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ बात की गई है इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ सिर्फ, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली बाय कैंडिडेट इन ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट इज कंसिडर्ड फॉर अराइविंग एट द करेक्ट स्कोर आफ्टर अप्लाइंग पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर। इट मीन्स आपका जो है यहाँ पे पेनाल्टी भी होगा रॉन्ग आंसर का, जो यहाँ पे अभी नहीं बताया गया है क्लियरली। सो आपका जब एडमिट कार्ड आएगा उसमें मेंशन होगा, सो वहाँ पे आप देख लेंगे 1/3 है या 0.25 है यानी 1/4, सो उसके हिसाब से जो भी होगा उसके बाद फाइनल आपका जो लिस्ट है वो रिटन टेस्ट का क्वालिफाइंग का मार्क्स आ जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने का सिंपल प्रोसीजर है, अप्लीकेशन को रजिस्टर करना है, पेमेंट करना है फीस को, डॉक्यूमेंट जो भी होंगे स्कैन करने हैं, अपलोड करने हैं, अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन देनी है, उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट अगेन बताई गई है 30 जुलाई से 21 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आपका डेट क्लोज हो जाएगा इवनिंग के 5 o'clock से। यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो पढ़ लीजिएगा, फोटो का साइज़ क्या होगा, सिग्नेचर कैसा होगा, सिग्नेचर इन कैपिटल लेटर नॉट अलाउड। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है जिसे आपको एक वाइट पेपर पे राइट करना है इंग्लिश में ओनली, सो आई यहाँ पे आपका नेम होगा जहाँ पे लिखा हुआ है, देन ये डिक्लेरेशन देना है स्कैन करके, इसे भी आपको अपलोड करना है। यहाँ सिलेबस की बात करते हैं, जैसा एनेक्सर 1 में बताया गया ऊपर के मेंशन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पार्ट ए फॉर ऑल अबव पोस्ट मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके लिए, जो कि टोटल मार्क्स 100 होंगे, 25 मार्क्स फॉर ईच पार्ट, नो निगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पे नो निगेटिव मार्किंग बताया गया है, आपका जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, और यहाँ पे जो कॉमन है मतलब तीनों जो ऊपर पोस्ट हैं उसके लिए, फाइनेंस ऑफिस असिस्टेंट और जनरल स्ट्रीम के लिए, उसके लिए ये पार्ट सेम है। जैसे जनरल अवेयरनेस तो इसमें क्या क्या पूछे जाएंगे पूरा यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी के बारे में बताया गया है उसमें क्या क्या पूछा जा सकता है वो पूरा है, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी में रिलेटेड जो भी आपकी सिलेबस होंगे वो पूरी डिटेल यहाँ पे बताई गई है, हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन उसकी पूरी ये डिटेल बताई गई है क्या क्या पूछे जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 की बात करें तो ये सब्जेक्ट रिलेटेड यहाँ पे आपका जो होगा नॉलेज चेक किया जाएगा, तो फॉर असिस्टेंट मैनेजर जो स्ट्रीम होंगे उनका सिलेबस यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं फाइनेंस असिस्टेंट मैनेजर एंड अकाउंट्स की, तो यहाँ पे 3 पॉइंट बताया गया है, ऐसे राइटिंग आपका होगा और लेटर राइटिंग, अकाउंटेंसी टैक्सेशन या कंपनी लॉ, यहाँ से आपके क्वेश्चंस बनाए जाएंगे, और जीएसटी टैक्सेशन में ले सकते हैं आप, जो भी फाइनेंस अकाउंट से रिलेटेड आपने सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है वो सारा आएगा। देन कंप्यूटर नॉलेज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड एमएस ऑफिस, तो कंप्यूटर नॉलेज का यहाँ पे पूरा आपका एमएस एक्सेल पावर पॉइंट वर्ड और बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। देन क्वालिफाइंग मार्क्स अगेन यहाँ बताया गया जैसे कि मैंने ऊपर बताया वही सब मेंशन अगेन से है, और यहाँ पे इंटरव्यू का आपका 25 मार्क्स होगा। देन यहाँ पे पोस्ट फॉर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड के लिए जो सिलेबस है, पेपर 2 शॉर्ट एसे लेटर इन इंग्लिश और हिंदी 50 मार्क्स का होगा आपका, और यहाँ पे फिर वही अगेन बताया गया है जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उसके बारे में डिटेल। देन यहाँ पे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी पे यहाँ पे बात करें कि पेपर पैटर्न क्या होगा, तो उसका यहाँ पे टोटल जो है बताया गया एक टेबल के थ्रू, यहाँ पे नेम ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, मैक्सिमम मार्क्स क्या होगा वो बात किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है फाइनेंस अकाउंट्स के लिए है यहाँ पे इसके हैं आपके, और जो मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे है 25 यानी 120 क्वेश्चन होंगे आपके 100 मार्क्स के, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन होंगे, और 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। देन पार्ट 2 ए जो है पार्ट 2 का ए एंड बी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कंप्यूटर नॉलेज यानी अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस से 30 मार्क्स एंड कंप्यूटर नॉलेज 30 मार्क्स, टोटल 50 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। देन आपका जो एसे राइटिंग है वो 300 वर्ड के करीब आपको लिखना है, और ये 3 ऑप्शन होंगे आपको और उन पे लिखना है जो कि 25 मार्क्स के आपके होंगे, तो आपका टोटल आउट कितना हो गया यहाँ पे देख सकते हैं 100, 150 एंड 175 का टोटल आपका रिटेन एग्जाम होगा एंड 25 का आपका इंटरव्यू होगा, तो 200 मार्क्स का है आपका, और जो ये टोटल
ड्यूरेशन है आपका रिटन टेस्ट का 150 मिनट्स का है, तो काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ये भी सिलेबस है। देन ऑफिस असिस्टेंट के सर्विस की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट पेपर जो है कॉमन है, जो जैसा कि ऊपर मैंने बताया, सेकंड में एसे राइटिंग भी कॉमन है यहाँ पे। देन यहाँ पार्ट थ्री जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होगा, हिंदी या फिर इंग्लिश अदर देन कंप्रहेंसिव एंड लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो भी है आप दो में से एक चूज़ कर लेंगे, यहाँ 50 मार्क्स का है, हिंदी एंड इंग्लिश में दोनों में होगा, यहाँ 30 मार्क्स का आपका ड्यूरेशन है। इंटरव्यू केवल आपका फर्स्ट पोस्ट एंड सेकेंड पोस्ट के लिए है, बाकी ऑफिस असिस्टेंट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। तो ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, एग्जामिनेशन पैटर्न था, सिलेबस था। सो ऐसे ही लेटेस्ट जॉब अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फेसबुक के टाइमलाइन में शेयर करें, ताकि और भी फ्रेंड्स आपके जो भी हैं जुड़ सकें, जो भी क्राइटेरिया को मीट कर रहे हैं वो अप्लाई करें। फुल वीडियो देखें ना देखें, कम से कम उन्हें जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल ही जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।